हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने लिए एक बेहतर प्रोसेसर कैसे चूज करेंगे, कैसे चुनेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, इसलिए कि कभी भी आप जब फोन खरीदना चाहते हो तो कभी अपने दोस्तों से पूछते हो, फिर वो कभी कुछ ऐसे टर्म बताता प्रोसेसर के बारे में, उस अंदर के जो भी कोर है या नैनोमीटर है, ये सारी चीजें जब आप सुनते हो फिर कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आप यूट्यूब पे आते हो, फिर सर्च करते हो, फिर देखते हो कि कोई अनबॉक्सिंग कर रहा है, फिर वही सारी चीजें आपको गीगाहर्ट्ज सामने आती है, कोर आता है, फिर आपके सामने वही सारे नैनोमीटर आते हैं, फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअली कौन सा प्रोसेसर मेरे लिए सबसे अच्छा है। और ये सारी टर्म जो भी आपको गीगाहर्ट्ज दिखता है या जो आपको कोर दिखता है या आपको नैनोमीटर दिखता है, ये समझ में आता नहीं है, ये सारी चीजें टेक्निकली है क्या। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ये प्रोसेसर चीज होते हैं और ये प्रोसेसर के लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों देखिए, किसी भी फोन के लिए प्रोसेसर सबसे मेन चीज होता है, प्रोसेसर ही होता है। जितना भी काम आपके अंदर मोबाइल में करता है, प्रोसेस करता है, वो सारा प्रोसेसर ही करता है। चाहे आप यूट्यूब चलाते हो, आप मेल भेज रहे हो, आप फोटो खींच रहे हो, इमेज कर रहे हो, जो कुछ भी आप काम करते हो, समझो सारे के सारा काम वो प्रोसेसर ही। तो दोस्तों, अगर आपका प्रोसेसर ही अच्छा नहीं होगा तो आपका फोन बिल्कुल भी अच्छा से नहीं चलेगा, वो हैंग होगा, हीट होगा और आपका काम बिल्कुल सही नहीं हो पाएगा। इसलिए एक अच्छी जानकारी आपको प्रोसेसर के बारे में होनी चाहिए, इसलिए कि आप फोन चलाते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो भी प्रोसेसर यूज हो रहा है वो कैसा है, हमारे काम के लिए है या नहीं है। या आपके सामने अगर 10 फोन रख दिया जाए और बताया जाए इसमें से बताओ कि कौन सा प्रोसेसर सबसे अच्छा है, तो आप अपने लिए एक बेहतर प्रोसेसर की जानकारी रखते हो या नहीं रखते। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि आज के बाद से आपको प्रोसेसर के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। चलिए हम एक एक करके सारी जानकारी आपको देते हैं इसी वीडियो में और बताते हैं कि ये जो भी आपके सामने टर्म आते हैं प्रोसेसर के, ये सारी चीजें है। देखिए दोस्तों, प्रोसेसर कभी भी आप नाम सुनते हो तो प्रोसेसर का मतलब गीगाहर्ट्ज वहां पे बोला जाता है, इसके अंदर जो भी प्रोसेसर है वो इतना 2.2 गीगाहर्ट्ज। ये गीगाहर्ट्ज होता क्या है एक्चुअली? देखिए दोस्तों, गीगाहर्ट्ज वो चीज होता है प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करने के लिए क्लॉक बनाया गया, क्लॉक से ही मेजर होता है और वो क्लॉक जो होता है वो साइकिल होता है, एक साइकिल होता है। जब आप एक बार सिर्फ फोन को टच करते हैं तो उस ड्यूरेशन में लाखों करोड़ों अरबों ट्रांजिस्टर क्लोज और ओपन होते हैं और वो छोटे छोटे काम लेकर के प्रोसेसर के पास पहुंच जाते हैं और प्रोसेसर उन छोटे छोटे कामों को कंप्लीट करता है इसी साइकिल के द्वारा। तो 2.2 का प्रोसेसर 2 बिलियन टाइम्स एक सेकेंड में इतना बार वो प्रोसेस कर जाता है, उतना साइकिल कंप्लीट करता है और उस साइकिल के बीच में जितने भी काम होते हैं उनको खत्म करता है, फिर उसी तरह से नेक्स्ट साइकिल करता है कि जो भी प्रोसेसर के पास काम आते जाते हैं, छोटे छोटे टास्क आते जाते हैं ट्रांजिस्टर के ओपन और क्लोज होने से, साइकिल में कितने सारे टास्क कंप्लीट होते हैं, दूसरे साइकिल में बहुत सारे दूसरे टास्क कंप्लीट होते हैं, तो इसी तरह से यह प्रोसेसर वो सारे ट्रांजिस्टर को काम को क्लोज और ओपन करके काम को फिनिश करता है, सर को रखा जाता है जो इसकी स्पीड को बताता है। अब जो दूसरा टर्म आता है आपके सामने, ये भी सुन करके आप ये हो जाते हैं कोर क्या होता है। कोर दोस्तों, मैं सिंपल में आपको बता दूं कि अभी डुअल कोर है, ऑक्टा कोर है या आपका क्वाड है, क्वाड का मतलब 4 हुआ, ऑक्टा का मतलब 8 हुआ, डुअल का मतलब 2 हुआ, कोर भी उसी तरह से वो प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसर हो जाता है। अगर ऑक्टा है तो 8 है, तो समझ लीजिए कि एक प्रोसेसर था, अगर उसके जगह 8 प्रोसेसर अब काम करेंगे तो एक काम को अकेले कोई आदमी कर रहा था, अब उसमें 8 आदमी उसी काम को मिलकर करेंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा, फास्ट होगा। तो यही ये चीज है, जितना कोर बढ़ते जा रहा है समझिए कि प्रोसेसर उतना ही इंटेलिजेंट होते जा रहा है। और आपको भी पता है कि मोबाइल में हर दिन एक नई फीचर ऐड हो रही है, तो इसी प्रोसेसर का ही कमाल है, प्रोसेसर के चलते ही इसी के अंदर सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होते जा रही है, इसीलिए ये कोर बढ़ते जा रहा है और आपका मोबाइल भी इंटेलिजेंट होते जा रहा है, नई नई चीजें इसके अंदर बहुत सारी फीचर्स आ रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बता, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये नैनोमीटर लिखा रहता है वहां पे, ये भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भी आपका प्रोसेसर बनता है, ये प्रोसेसर ट्रांजिस्टर से ही बनता है और वो अरब ट्रांजिस्टर एक प्रोसेसर के अंदर यूज होते हैं और ये इसकी साइज को बता
बताता है। तो दोस्तों ये जितना नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, जितना छोटा साइज होगा उस प्रोसेसर का, समझो कि उतना ही बेहतर होगा वो प्रोसेसर। तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो भी प्रोसेसर है उसका टेक्नोलॉजी कितने नैनोमीटर पे है। अगर जितना छोटा होगा उतना ही उसकी साइज छोटी होगी, और ये साइज छोटे होने से क्या होगा कि आपका बैटरी का भी कम कंजम्पशन करेगा, बैटरी कम खाएगा, लेकिन उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर दोनों की नैनो टेक्नोलॉजी सेम है, अगर दोनों मान लीजिए 10 नैनोमीटर पे बने हुए हैं, तो किसको फिर चुनेंगे। तो इस केस में अब आपको देखना पड़ेगा कि किसमें सबसे ज्यादा ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। तो जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांजिस्टर होंगे फिर उसी को चुनना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों टर्म आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो फिर भी आप हमें कमेंट्स में लिखिएगा, हम जरूर आपके लिए क्लियर करेंगे इस डाउट को। अब आपके सामने कोई भी 5 ला करके फोन रख देगा, और पांचों प्रोसेसर को आपको किस तरह से जज करना है कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा है, तो आपको क्या करना होगा, इन्हीं तीनों पॉइंट को आपको बस देखना है। गीगाहर्ट्ज को देखना है, कोर को देखना है, और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसको देखना है। तो चलिए इसी तरह से हमने यहाँ पे चुना है इन फोन को जो 20,000 के नीचे के हैं और वो अवेलेबल हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इनको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो हमारे सामने फोन है ये वीवो S1 का फोन है, और इसमें एक एक्सचेंज ऑफर आपको मिल रहा है। आपके पास अगर कोई भी पुराना फोन है तो आप उसको एक्सचेंज करके नया फोन ले सकते हैं। अब इसकी फीचर की बात करते हैं इस फोन की, तो देखिए इसमें 4 कैमरे हैं दोस्तों। यहाँ जो पीछे वाला जो भी पोर्शन है यहाँ पे रियर कैमरा 4 दिया गया है, और आपको फेसिंग कैमरा 32 मेगापिक्सल का, आपको फ्रंट का कैमरा है, सामने वाला कैमरा है। अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो देखिए इसमें जो डिस्प्ले है वो 6.3 इंच का डिस्प्ले है जो फुल HD डिस्प्ले है। लेकिन अगर इसकी रैम की बात करें तो 8 GB का रैम है इसके अंदर, और इसकी इंटरनल मेमोरी 128 GB की है, और वो बढ़ करके 256 GB तक आप उसको बढ़ा सकते हैं। और इसमें डुअल सिम यूज कर सकते हैं, आप इसमें 4G के 2 सिम यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके मेन पार्ट पे आते हैं जो कि इसका प्रोसेसर है। ये देखिए क्वालकॉम का प्रोसेसर Snapdragon 666। अब दोस्तों ये समझना है अब आपको यहाँ पे कि ये प्रोसेसर है। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी ऑक्टा कोर है, तो मैंने आपको कोर को बता दिया, और 2.0 GHz का है, यानी कि स्पीड इसकी 2.0 GHz हो गई, और जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो 11 नैनोमीटर की इसकी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो अब आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके अंदर जो बैटरी है वो 4500 mAh की बैटरी है, और फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया है। अगर अभी आप इसे खरीदेंगे तो आपको 2000 रुपये की बचत होने वाली है, और ये बचत के बाद इस फोन की कीमत जो होगी वो 18,990 रुपये में आपको मिल जाएगा। और ये फोन बिल्कुल अवेलेबल है, एक अच्छा फोन है, हाई एंडेड गेम इसमें आप खेल सकते हैं, बहुत अच्छी फोन है। अब चलिए कंपेयर करते हैं नेक्स्ट फोन से कि इसके अंदर क्या फीचर है। तो ये देखिए जो दूसरा फोन है ये Realme 7 का है, इसके अंदर जो रैम है वो उससे बड़ा हो गया, 8 GB का रैम है, और इसके अंदर इंटरनल मेमोरी 128 GB है, और इसको भी आप बढ़ा सकते हैं, 256 कर सकते हैं। लेकिन इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा छोटा हो गया, 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले इसका भी है, और इसमें भी 4 जो कैमरा है वो बैक में 4 कैमरा इसमें भी है, और इसका जो फ्रंट का कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का। और इसमें बैटरी की बात करें तो बैटरी 5000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, लेकिन इसका जो प्रोसेसर है वो MediaTek का हेलियो G95 का प्रोसेसर है। अब ये जो MediaTek का जो प्रोसेसर है ये थोड़ा सा कमजोर माना जाता है कंपेयर टू आपके Snapdragon जो Qualcomm का प्रोसेसर है उसके कंपैरिजन में। लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो इसमें भी 8 कोर यूज हुआ है। इसके क्लॉक देखिए, अब क्लॉक यहाँ पे बढ़ गया, इसकी स्पीड 2.05 GHz की हो गई, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्पीड इसकी बढ़ चुकी है। लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी देखिए 12 नैनो पे चली गई, पिछले वाला फोन 11 नैनो पे था, ये 12 नैनो पे हो गई, यानी कि ये प्रोसेसर थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये ज्यादा आपकी बैटरी भी खाएगा, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा है, कितनी कीमत है। तो ये 18,000
249 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये भी फोन अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं इसको। अब चलिए हम आपको तीसरे फोन से अब आपको पूरी तरह से क्लियर में हो जाएगा कि प्रोसेसर कैसे चुनना है। तो देखिए ये तीसरा जो फोन है ये पोको X2 का फोन है और इसका भी अगर हम बात करें तो इसमें भी देखिए आपके सामने दिख रहा है चार इसके भी बैक कैमरा दिए गए हैं और दो फ्रंट कैमरा दिए गए हैं, जो एक फ्रंट का है सामने का कैमरा है। अगर डिस्प्ले की बात करें आपको दिख रहा है स्क्रीन पे इसकी डिस्प्ले बड़ी हो गई 6.6 इंच की हो गई, फुल HD डिस्प्ले है इसका भी, लेकिन इसकी रैम कम हो गई, रैम इसकी 6GB की हो गई और इसका इंटरनल मेमोरी जो है वो 128GB है। इसको भी आप बढ़ा सकते हैं लेकिन यहाँ ज्यादा बढ़ा सकते हैं, 512GB कर सकते हैं। इसके अंदर भी डुअल सिम यूज कर सकते हैं, 4G का 2 SIM नैनो सिम चला सकते हैं आप। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं इसके प्रोसेसर के ऊपर, तो देखिए इसका प्रोसेसर तगड़ा हो गया, कॉलकॉम का प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन ऑक्टा प्रोसेसर यूज हो रहा है और इसका जो क्लॉक की बात करें देखिए 2.2 हो गई। अब सबसे ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ गई यहाँ पे 2.2 GHz की हो गई और इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो 8 नैनोमीटर की हो गई, सबसे कम हो गई। तो ये आपकी बैटरी कम खाने वाला है इसलिए कि ये सबसे छोटा हो गया। तो इसी तरह से आपको कंपेयर करना है जब कभी भी आप फोन खरीदने जाते हैं, तो ऐसे ही देखना है आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यही 3 पॉइंट होते हैं जो प्रोसेसर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि उसका कोर क्या है और उसकी क्लॉक क्या है यानी कि स्पीड क्या है और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो कितना छोटा है। तो ये सबसे छोटा हो गया 8 नैनोमीटर का, इसलिए ये सबसे अच्छा प्रोसेसर, और ये कॉलकॉम का भी है तो इसलिए ये सबसे अच्छा प्रोसेसर हो गया। और इसकी अगर बैटरी की बात करें तो ये देखिए 4500 mAh की इसकी बैटरी है और इसमें आपको अभी कोई भी सेविंग नहीं होने वाला है। और इसकी कीमत की बात करें तो ये आपको अभी मिलेगा 20,400 रुपए में, तो ये अवेलेबल है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे फोन को आप कहां से परचेज कर सकते हैं, तो देखिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आप जाकर के परचेज कर सकते हैं, वो अमेज़न पे ही लिंक जाएगा और ये सारे के सारे फोन अमेज़न पे ही अवेलेबल हैं। और जो मैंने वीडियो में बताया है जिस भी मोबाइल में जो आपको छूट मिलने वाली वो छूट आपको अभी अवेलेबल है, वो छूट मिल जाएगी। कोई भी डाउट्स है आपको, अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स में पूछिए, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। और इसी तरह की वीडियो को, जो नॉलेजिबल वीडियो हो, जो आप काम देने वाली वीडियो हो, हम इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पे बनाते हैं और इसी तरह का वीडियो हर एक दिन बाद हम अपलोड करते हैं। तो आप इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब